नमस्कार साथियों, मैं प्रतीक उपाध्याय, सहायक आचार्य, अध्यापक शिक्षा विभाग, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर भदोही। आज हम कोर्स कोड BES 143 यानी कि गणित का शिक्षण शास्त्र में सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। आंकड़ों को आवृत्त वितरण के रूप में प्रस्तुत करने से वे सरल एवं समझने योग्य हो जाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति के लिए आंकड़ों के केवल अवलोकन से उसके संबंध में किसी निश्चित अर्थ का पता लगा पाना सरल नहीं होता है। यदि आंकड़ों को आवृत्ति वितरण की तुलना में और अधिक संक्षिप्त करके केवल एक ही प्राप्तांक द्वारा व्यक्त किया जाए, तो वह अकेला प्राप्तांक संपूर्ण समूह की योग्यता को व्यक्त करे, तो ऐसी परिस्थिति में एक अकेले अंक द्वारा संपूर्ण समूह की योग्यता को समझना अधिक सरल हो सकता है। इसके पहले हम लोग बच्चों के प्राप्तांकों के आधार पर उनके बारे में समझते थे, लेकिन सिर्फ एक अंक से, एक प्राप्तांक से, एक स्कोर से अगर पूरे समूह के बारे में जानकारी मिले तो ये हमारे लिए और सरल होता है। संक्षिप्तीकरण की इस प्रक्रिया में हमें एक ऐसे प्राप्तांक को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है जो पूरे समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व कर सके। और सरल शब्दों में, इन्हीं प्राप्तांकों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि केंद्रीय माप वही अंक होगा या वही प्राप्तांक होगा जिसके आसपास अधिकांश अंक केंद्रित होते हैं। यह संभव है कि कुछ अंक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से छोटे और कुछ बड़े हों, लेकिन फिर भी सभी अंकों की प्रवृत्ति उस केंद्रीय माप की ओर होती है जो संपूर्ण समूह को प्रदर्शित कर रहा होता है। और यही कारण है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को केंद्रीय मान, सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। इस तरह की माप की अगर देखा जाए तो दो प्रमुख उपयोगिताएं हैं। पहली उपयोगिता यह है कि यह किसी भी समूह की औसत स्थिति को व्यक्त करता है, मतलब कि इसके द्वारा, इस माप के द्वारा पूरे समूह की कुल योग्यता के बारे में, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरी जो उपयोगिता है वो यह है कि दो या दो से अधिक समूहों की आपस में तुलना की जा सकती है। केंद्रीय माप को ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं और जो विधियां हैं वो अपने अपने ढंग से केंद्रीय माप को व्यक्त करती हैं। सामान्यतः केंद्रीय मापों को तीन प्रकार के मानों, मध्यमान, मध्यांक मान या जिसको माधिका भी कहते हैं, और बहुलांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आइए हम लोग एक एक करके इन तीनों केंद्रीय मानों के बारे में जानते हैं, क्या होता है, कैसे इसकी गणना की जाती है। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक प्रचलित एवं उपयोगी मान मध्यमान कहलाता है। इसे अंक गणितीय औसत भी कहा जाता है तथा यह समूह के सभी आंकड़ों का गुरुत्व केंद्र भी होता है। चूंकि किसी भी समूह से प्राप्त आंकड़े दो रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसको हम लोग पहले ही जान सकते हैं कि आंकड़ों को अगर हम प्रस्तुत करना चाहें तो दो मुख्य रूप हो सकते हैं, एक तो अवर्गीकृत रूप में और दूसरा वर्गीकृत रूप में। इसलिए मध्यमान की गणना भी दो प्रकार से की जा सकती है। चूंकि आंकड़े दो तरह से हमको मिल सकते हैं तो दो प्रकार के आंकड़े अगर मिल रहे हैं तो गणना के तरीके भी दो हो जाएंगे, तो मध्यमान की गणना इन दोनों प्रकार के आंकड़ों से अलग अलग की जा सकती है। अब हम दोनों तरीके से देखेंगे हम लोग कि कैसे गणना की जा रही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना कैसे करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े आप पहले से जानते हैं
कि जब वो क्लास इंटरवल मतलब वर्गांतर और आवृत वितरण के रूप में न हो तो उन्हें हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अवर्गीकृत मूल प्राप्त अंकों के लिए मध्यमान वह मान होता है जो समूह के सभी मानों को जोड़कर उनकी संख्या से मतलब जो मानों की संख्या है उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि समूह में 5 विद्यार्थी हों और उन 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक मान लीजिए कि क्रमशः 5, 8, 10, 12 और 15 हों, तो इन अगर 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योग आएगा 50 और इनकी कुल संख्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 5 है, तो इन प्राप्तांकों की कुल संख्या 5 है और 50 को 5 से भाग देने पे मध्यमान का मान हमें 10 प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि मध्यमान यह इंगित करता है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक सभी विद्यार्थियों पर बराबर बराबर बटे होते तो प्रत्येक विद्यार्थी को मध्यमान के बराबर ही अंक प्राप्त होते। मतलब सारे प्राप्तांकों को जोड़ दिया जाए और उसका मध्यमान निकाला जाए तो अगर सभी प्राप्तांक अगर सभी विद्यार्थियों में बराबर बराबर बटे होते तो मध्यमान के बराबर ही प्राप्तांक हर विद्यार्थी प्राप्त करता। इस प्रकार हम इस आधार पर कह सकते हैं कि मध्यमान प्राप्तांकों के आकार पर विचार करता है। मध्यमान को अंग्रेजी वर्णमाला के M से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए अगर हम मध्यमान का सूत्र देखना चाहें तो मध्यमान का सूत्र क्या होगा, मध्यमान M बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहां सिग्मा एक्स प्राप्तांकों का योग है तथा N प्राप्तांकों की संख्या है। आइए एक उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि 10 विद्यार्थियों के हिंदी विषय के प्राप्तांक इस प्रकार से हों कि पहले विद्यार्थी को 18 अंक मिला हो, दूसरे को 15 अंक मिला हो, तीसरे को 10 अंक मिला हो, फिर 9 अंक मिला हो, 8 अंक मिला हो, 6 अंक मिला हो, 5 मिला हो, 4 मिला हो, 8 मिला हो, 17 मिला हो। इस तरह से 10 विद्यार्थियों को प्राप्तांक हो गए। अब अगर हमें मध्यमान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम प्राप्तांकों का योग निकालेंगे। सभी प्राप्तांकों को योग करने से हमें इनका योग 100 के बराबर प्राप्त होता है और चूंकि 10 विद्यार्थी हैं इसलिए प्राप्तांकों की संख्या हो गई 10 और इस प्रकार मध्यमान अगर देखेंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन मतलब कि 100 बटा 10 और इस तरह से मध्यमान का मान 10 प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान कैसे निकाला जाए इसके बारे में जानेंगे। आवृत्त वितरण के रूप में व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करते समय जब हमारा आवृत्त वितरण के रूप में व्यवस्थित आंकड़े का मतलब कि वर्गीकृत आंकड़े और अगर उन आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करना है तो हम ये मान लेते हैं कि हर वर्ग की आवृत्ति अपने मध्य बिंदु पर स्थित है, अर्थात वर्गांतराल एवं आवृत्ति के रूप में व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान की गणना करते समय किसी भी वर्ग की समस्त आवृत्तियों के लिए प्राप्तांक का मान उस वर्ग के मध्य बिंदु को मान लिया जाता है। वर्ग अंतराल एवं उनकी आवृत्ति के रूप में दिए गए आंकड़ों से मध्यमान की जब हम गणना करते हैं तो दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक को हम प्रथम विधि या दीर्घ विधि कहते हैं और दूसरे को हम द्वितीय विधि या कल्पित माध्य विधि कहते हैं और हम दोनों ही विधियों की अलग अलग चर्चा करेंगे। दोनों ही विधियों में विभिन्न वर्गांतर की समस्त आवृत्तियों को उस वर्गांतराल के मध्य बिंदु पर ही स्थित माना जाता है, चाहे वो दीर्घ विधि से करें गणना चाहे हम कल्पित माध्य विधि से करें। अर्थात यदि 30 से 34 वाले वर्गांतराल की आवृत्ति 5 हो तो मध्यमान की गणना के दौरान यह मान लिया जाता है कि इन 5 आवृत्तियों के प्राप्तांक माने कि ये 5 आवृत्तियां 30 से 34 वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु अर्थात 32 पर स्थित होंगे। मतलब कि 5 प्राप्तांक जो है वो 32 पर ही स्थित माने जाएंगे। अब आइए हम लोग प्रथम विधि से मध्यमान की गणना कैसे की जाती है इसको जानते हैं। इस विधि को दीर्घ विधि भी कहा जाता है। क्यों दीर्घ विधि कहा जाता है? क्योंकि इस विधि द्वारा मध्यमान की गणना करते समय थोड़ा अधिक व्यय होता है।
इस विधि से मध्यमान ज्ञात करने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं को उनकी संगत आवृत्तियों से गुणा करके और सबको जोड़ दिया जाता है तथा इस योग को संपूर्ण आवृत्तियों के योग से भाग दे देते हैं तो हमें मध्यमान प्राप्त हो जाता है। अतः सूत्र के रूप में मध्यमान m इज इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन n, जहां f आवृत्तियां हैं, x जो है वर्गांतर का मध्य बिंदु है और n आवृत्तियों का योग है। अब आइए इसको एक उदाहरण द्वारा करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्गांतराल दिया हुआ है और आवृत्तियां दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम वर्गांतर का मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के बाद सभी वर्गांतर के मध्य बिंदु को उनके संगत आवृत्तियों से गुणा करेंगे और एक नया कॉलम बना लेंगे जो कि एफ एक्स का कहलाएगा, और जितने एफ एक्स आते हैं सारे एफ एक्स को जोड़ करके सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लिया जाएगा। फिर सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करने के बाद एन से भाग दे करके मध्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि सिग्मा एफ एक्स का मान इस प्रकार, वर्गांतर के मध्य बिंदु को आवृत्तियों के साथ गुणा कर लेते हैं तो हमें एफ एक्स ज्ञात हो जाता है। सभी मध्य बिंदु को संगत आवृत्तियों से गुणा करके एफ एक्स ज्ञात किया और सभी एफ एक्स को जोड़ करके हम सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण में हम देख रहे हैं कि सिग्मा एफ एक्स का मान 1945 है, जबकि n जो कि आवृत्तियों का योग है उसका मान 80 है। तो 80 से हम 1945 में भाग देने पर ये प्राप्त करते हैं कि मध्यमान का मान 24.31 आता है। प्रथम विधि में मध्यमान की गणना के दौरान विभिन्न वर्गांतरालों के मध्य बिंदु को ज्ञात करके उन वर्गों की संगत आवृत्तियों से गुणा करना होता है, जिसकी वजह से गणना थोड़ा जटिल एवं अधिक समय लेने वाला हो जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए मध्यमान की गणना की एक दूसरी विधि अपनाई जाती है, जिसे हम कल्पित मध्यमान विधि कहते हैं। इस विधि से मध्यमान की गणना के लिए दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों के किसी भी वर्ग के मध्य बिंदु को कल्पित मध्यमान मान लेते हैं तथा आवृत्त वितरण में आवृत्त स्तंभ f के आगे एक नया विचलन स्तंभ d का निर्माण करते हैं। अब कल्पित मध्यमान वाले वर्गांतर के आगे शून्य लिख लेते हैं, तत्पश्चात कल्पित मध्यमान वर्ग के ऊपर के वर्गों में क्रमशः +1, +2, +3, +4 जहां तक जा सकते हैं तथा नीचे के वर्गों में क्रमशः -1, -2, -3, -4 इत्यादि लिख लेते हैं। अब विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को उनके संगत विचलन d से गुणा करके उनका बीजगणितीय योग करते हैं तथा इस योग को वर्गांतराल के आकार मतलब कि i से गुणा करके आवृत्तियों के योग n से भाग देकर कल्पित मध्यमान am जिसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन में जोड़ देने पर मध्यमान m का मान ज्ञात हो जाता है। आइए हम सूत्र के रूप में देखें कि मध्यमान m के लिए क्या सूत्र होगा। तो मध्यमान m इज इक्वल टू am प्लस सिग्मा f इंटू d अपॉन n इंटू i, जहां am कल्पित मध्यमान है, f वर्ग की आवृत्ति है, d वर्ग का विचलन है, i वर्ग का आकार है तथा n आवृत्तियों का योग है। यहां पर एक बात ये समझ लेना है कि जो विचलन है वो वास्तव में जो हमने मान की कल्पना किया उस मध्यमान की बाकी सभी मध्यमानों से विचलन है, दूरी है, और वह दूरी निकालने के लिए मध्यमान सभी वर्गांतराल के मध्य बिंदु को कल्पित मध्यमान से घटा करके हम प्राप्त कर सकते हैं और उसी गणना को सरल बनाने के लिए +1, +2, +3 लिखते हैं डेविएशन में और नीचे -1, -2, -3 लिखते हैं। आइए इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वर्गांतराल दिया हुआ है, आवृत्तियां दी हुई हैं हर वर्गांतराल की। हम सबसे पहले क्या करेंगे,
एक डी का नया वर्ग बनाएंगे। नया वर्ग बनाते समय क्या करना है कि हम वर्ग मध्यमान को कहीं भी किसी भी वर्ग अंतराल में मान लेते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कहीं ऐसी जगह माने बीच में जिससे कि गणना सुविधाजनक हो सके। जहां भी हम कल्पित मध्यमान मानेंगे तो वह कल्पित मध्यमान उस वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पे होगा। जहां पे वो मध्य बिंदु पे होगा उसका उसी मध्य बिंदु से अगर हम डेविएशन निकालेंगे तो शून्य आएगा। तो इसीलिए कल्पित मध्यमान वाले वर्गांतर के सामने डी वाले कॉलम में, डी वाले स्तंभ में हम शून्य लिख लेते हैं और ऊपर की तरफ +1, +2, +3, +4 और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 जहां तक वर्गांतर फैला हुआ है वहां तक हम लिख लेते हैं। फिर आवृत्तियों को उनके संगत डी से गुणा करके एक नया स्तंभ बनाते हैं जिसको हम f(d) कहेंगे और उसमें लिख लेते हैं। और फिर जितने f(d) है उनका बीजगणितीय योग हम करते हैं जो कि सिग्मा fd कहलाता है। और फिर सूत्र में सभी का मान रख करके हम मध्यमान की गणना कर पाते हैं। स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे उदाहरण में हम मध्यमान की गणना के लिए सबसे पहले जितने f(d) हैं सभी f(d) का बीजगणितीय योग करते हैं जो कि हमें प्राप्त होता है 37 के रूप में। कल्पित मध्यमान जो कि जहां पे हमने विचलन शून्य माना है उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होगा जो कि 22 होगा। आवृत्तियों का योग 80 है, वर्ग विस्तार 5 है। तो इस प्रकार सभी का मान सूत्र में रखने पे हमें मध्यमान का मान 24.31 प्राप्त होता है। मध्यांक मान या माध्यिका, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण माप मध्यांक मान है, इसे माध्यिका भी कहा जाता है। मध्यांक संपूर्ण समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि प्रथम भाग के सारे प्राप्तांक उससे छोटे और द्वितीय भाग के सभी प्राप्तांक उससे बड़े होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्यांक वह प्राप्तांक है जिससे कम एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले इकाइयों की संख्या बराबर बराबर होती है। यदि हम लोग विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के संदर्भ में बात करें तो समूह के समस्त प्राप्त अंकों को उनके आकार के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य का प्राप्तांक ही मध्यांक कहलाता है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राप्तांकों के बीच अंतर का मध्यांक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए मध्यांक को स्थित सूचक केंद्रीय मान भी कहा जाता है, इसको पोजिशनल वैल्यू भी कहते हैं। मध्यांक को सामान्यतः MD से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम लोग मध्यांक की या माध्यिका की गणना करना सीखें। अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका की गणना कैसे की जाएगी? अव्यवस्थित समूहों से मध्यांक या माध्यिका को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समूह के आंकड़ों को उनके आकार के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तत्पश्चात स्क्रीन पे दिखाए गए सूत्र के द्वारा मध्यांक की गणना करते हैं। मध्यांक क्या होगा? n+1/2 प्राप्तांक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, n+1/2 प्राप्तांक, जहां n प्राप्तांकों अथवा इकाइयों की संख्या है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको मध्यांक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है और प्राप्तांक दिए गए हैं और इसका माध्यिका या मध्यांक आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले इन अंकों को क्रमबद्ध, मतलब कि आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो मान लीजिए कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राप्तांक माने 32, फिर 40, फिर 49, फिर 50, फिर 60, फिर 72, फिर 75, फिर 80 और फिर 88। कुल प्राप्तांकों की संख्या यहां एन है। मध्यांक के लिए सूत्र है n+1/2 प्राप्तांक। n बराबर कितना है? 9। तो 9+1/2 प्राप्तांक मतलब कि 10/2 प्राप्तांक मतलब कि 5वां प्राप्तांक। तो 5वां प्राप्तांक ही मध्यांक कहलाएगा। अब इस 5वें प्राप्तांक को हम व्यवस्थित आंकड़ों में देखते हैं कि वो क्या है।
चूंकि व्यवस्थित आंकड़ों में पांचवा प्राप्तांक 60 है, अतः मध्यांक का मान 60 होगा। तो ये तो रहा अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका या मध्यांक की गणना करना। अब आइए हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यांक का मान कैसे ज्ञात करते हैं उसको जाने। आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना करते समय कुछ पूर्व कल्पना की जाती है। क्या पूर्व कल्पना है? पूर्व कल्पना यह है कि किसी भी वर्ग की आवृत्तियां अपने वर्ग में समान दूरी पर स्थित हैं। यह माध्यिका की गणना करते समय पहले से मान लिया जाता है, अर्थात किसी भी वर्ग में स्थित समस्त आवृत्तियों को उस वर्ग की निम्न सीमा से उच्च सीमा के मध्य बराबर बराबर दूरी पर स्थित मान लिया जाता है, और इस पूर्व कल्पना के आधार पर मध्यांक का मान ज्ञात करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे सूत्र का प्रयोग करते हैं। मध्यांक का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम मध्यांक वर्ग की पहचान करनी होती है। मध्यांक वर्ग को ज्ञात करने के लिए संचयी आवृत्ति वितरण तैयार करना होता है तथा n बाई 2 का मान ज्ञात करके संचयी आवृत्ति में n बटा 2वीं संचयी आवृत्ति को चिन्हित किया जाता है, जिसे मध्यांक वर्ग कहा जाता है। इस उदाहरण में n का मान 100 है, अतः n बटा 2 का मान 50 होगा। यह 50वीं संचयी आवृत्ति जिस वर्ग अंतराल में स्थित होगी वही वर्ग अंतराल मध्यांक वर्ग कहलाएगा। चूंकि 50वीं संचयी आवृत्ति 60 से 69 वाले वर्ग में स्थित होगी, अतः 60 से 69 वर्ग अंतराल वाला वर्ग ही मध्यांक वर्ग होगा। इस प्रकार मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा L 59.5, मध्यांक वर्ग से एक वर्ग पूर्व की संचयी आवृत्ति 47, मध्यांक वर्ग की आवृत्ति 23 और वर्ग विस्तार 10। इस प्रकार सूत्र में मान रखने से मध्यांक का मान 60.80 प्राप्त होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का तीसरा जो मान है या माप है वह है बहुलांक। बहुलांक वह प्राप्तांक होता है जो किसी भी समूह में सर्वाधिक प्रचलित अथवा लोकप्रिय होता है, अर्थात बहुलांक किसी समूह का वह प्राप्तांक होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उस समूह में, जैसे कि 7, 10, 6, 8, 9, 7, 7, 5, 4, 4, 8 आप देख पा रहे हैं का बहुलांक 7 होगा, क्योंकि 7 की आवृत्ति सबसे अधिक है। स्पष्ट है कि बहुलांक प्राप्तांकों की आवृत्तियों पर विचार करता है। बहुलांक को बहुलक भी कहते हैं तथा सामान्यतः इसे MO संकेताक्षर से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी दो या दो से अधिक प्राप्तांकों की आवृत्तियां अन्य प्राप्तांकों की आवृत्तियों से अधिक और बराबर होती हैं, तब इन सभी प्राप्तांकों को बहुलांक कहते हैं। जब समंकों के लिए दो बहुलांक होते हैं तब समंकों को द्विबहुलांकी समंक या द्विबहुलांकी आंकड़े कहते हैं। दो से अधिक बहुलांक होने पर समंकों को बहुबहुलांकी समंक भी कहा जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 12, 12 और 15 में 7 एवं 10 जो अंक हैं इनकी आवृत्तियां अन्य प्राप्तांकों से अधिक हैं और आपस में बराबर भी हैं, इसलिए दोनों ही प्राप्तांक यहां बहुलांक कहलाएंगे तथा इस प्रकार के आंकड़ों को हम द्विबहुलांकी आंकड़े या द्विबहुलांकी समंक कहते हैं। आइए हम देखें कि अब केंद्रीय मान जो हैं, विभिन्न केंद्रीय मान उनका प्रयोग कहां कहां और कैसे करना चाहिए। मध्यांक, मध्यमान तथा बहुलांक तीनों ही मान किसी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमने जान लिया, समझ लिया, तथा इनकी सहायता से समूह की कुल योग्यता को प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इन तीनों मानों में से कौन सबसे अच्छा है और कौन से मान का प्रयोग किसी समूह को व्यक्त करने के लिए किया जाए। वास्तविकता में देखा जाए तो यह बताना कि कौन सा मान सर्वश्रेष्ठ है एक कठिन कार्य है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग केंद्रीय मान उपयुक्त हो सकते हैं, अर्थात आंकड़ों के वितरण की प्रकृति ही इस बात को निश्चित करेगी कि समूह को के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सर्वाधिक उपयुक्त होगा। एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में देखा जाए तो दो गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला है संवेदनशीलता
और दूसरा स्थायित्व। संवेदनशीलता से आशय प्राप्तांकों के मानों में परिवर्तन होने पर केंद्रीय प्रवृत्ति के मान पर पड़ने वाले प्रभाव से है, जबकि स्थायित्व से आशय प्राप्तांकों की संख्या में एक या दो की वृद्धि अथवा कमी का केंद्रीय मान पर पड़ने वाले प्रभाव से है। निसंदेह मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक संवेदनशील तथा स्थायी माप होता है। यदि किसी एक या अधिक प्राप्तांकों के मान में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो मध्यमान के मान में अवश्य ही परिवर्तन हो जाता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि माध्यिका और बहुलांक के मान में भी परिवर्तन हो। इसी प्रकार प्राप्तांकों के समूह में कुछ प्राप्तांक जोड़ने अथवा कुछ प्राप्तांक को हटा देने पर सामान्यतः मध्यमान में परिवर्तन कम ही होता है, जबकि वहीं मध्यांक यानी कि माध्यिका और बहुलांक में अधिक परिवर्तन हो सकता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मध्यमान के सर्वाधिक संवेदनशील तथा स्थायी होने के कारण इसका उपयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुमान में बहुत अधिक किया जाता है। आइए हम इसकी चर्चा करें कि कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना कब की जानी चाहिए। सबसे पहले हम बहुलांक को देखें तो बहुलांक का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब हमें सरलता एवं शीघ्रता से केंद्रीय माप ज्ञात करनी हो, मतलब समय कम हो, जब केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मोटी मोटा अनुमान लगाना हो और जब समूह का सर्वाधिक चर्चित मान ज्ञात करना हो। जैसे किसी समय विशेष में सर्वाधिक प्रचलित पोशाक की साइज अथवा जूते का आकार ज्ञात करते समय हम बहुलांक की गणना करते हैं। मध्यांक का प्रयोग हमें कब करना चाहिए? जब समूह के प्राप्तांकों का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो अथवा जब समूह के किनारे के प्राप्तांक मध्यमान को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हो, या फिर जब कुछ प्राप्तांकों के संबंध में हमें अपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हों। मध्यमान का प्रयोग कब करना चाहिए? जब सभी प्राप्तांकों को उनके साइज मतलब आकार के आधार पर महत्व देना हो। जब हमारे पास जो प्राप्तांक है उनका वितरण अगर सममित है, सिमेट्रिकल है, तब हमें मध्यमान का प्रयोग करना चाहिए। जब केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थायी मान प्राप्त करना हो तब भी हमें मध्यमान का प्रयोग करना चाहिए, और जब किनारे पर स्थित प्राप्तांक मध्यमान को बुरी तरह प्रभावित न कर रहे हों तब भी हमें मध्यमान की गणना करनी चाहिए। तो साथियों, आज हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें कि मध्यमान, माध्यिका और बहुलक है, इन तीनों के बारे में जाना, इन तीनों की गणना किस ढंग से की जाती है उसके बारे में जाना, और इन तीनों मानों में से कौन से मान का प्रयोग कब कब करते हैं इसको भी जाना और समझा। धन्यवाद।